शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं अपनी गलती मानता हूं और इसके लिए जो सजा तुम मुझे दोगी वो मुझे मंजूर है, पर बाकियों की तरह उससे मुंह मत फेरो, बात करो मुझसे। मैंने जो कुछ भी किया मैंने प्यार के लिए किया। छूना मत हमें, इसे प्यार कहते हैं? जहां आपने अपने मतलब के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। स्वीटू, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मत कहिए हमें स्वीटू, नफरत हो गई हमें इस नाम से। वरुण जी, हम ना आपके प्यार नहीं, सिर्फ आपकी जिद थे, और आपकी जिद ने ना हमारे सपनों को कुचल दिया। दिन रात हम टॉक टॉक वीडियो बनाते थे, मेहनत करते थे ताकि हम बहुत बड़े मॉडल बन सके। इस उम्र में एक बच्चे की मां नहीं, आपके अहंकार ने हमसे हमारा हक छीन लिया। हमें तो आपकी आपकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। निकल जाइए आप यहां से, निकल जाइए। स्वीटू, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, वो बच्चे पे बुरा असर पड़े। हमारी नहीं, आपकी इस हरकत से हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ा उसका क्या? आपको अपने लिए हम जैसी बीवी और बच्चा चाहिए था, पर आपने कभी सोचा, कभी हमसे पूछा कि हमें क्या चाहिए? हमारा तो कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ और हम एक बच्चे की मां बन गए। हमारे तो जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने वरुण जी, और हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। स्वीटू, ये क्या कर रही हो? स्वीटू, मेरी बात सुनो। मेरी छोड़िए बात। अपनी मनमानी जला ली ना अपनी उंगली, दिखाइए इधर। दिखाइए इधर, दिखाइए। कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना अभय, दिखाइए इधर। अफसोस कि मेरी शादी तुमसे हो गई, अफसोस कि मैंने श्रद्धा को शादी के दिन किडनैप करवाया ताकि मेरी शादी चालाकी से तुमसे हो जाए। जब दिल का दर्द देने से पहले नहीं सोचती हो तो इससे क्या फर्क पड़ता तुम्हें? छोड़ो, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, ठीक हूं मैं। छोटी जल गई है अभय। अच्छा है ना, मेरे लिए रोटी भी जल गई और अंदर ही अंदर मैं भी जल रहा हूं।
का ज्ञान कहीं और बांटाएं क्या? अंदर से तो आप मचल रही होंगी ना हमें ताने सुनाने के लिए। आपके लाडले बेटे को कमरे से धक्के मार के जो हमने बाहर निकाल दिया है, हमें ना खाना ऑर्डर करना है आपके सुपर सर्विस से। एक पनीर मसाला और दो मक्खन वाला नान। हाँ हाँ, और उसके साथ ना आइसक्रीम भी। हाँ हाँ, लिख लीजिए। भाभी, अपने वरुण की ना अपने घर में भिखारी जैसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हाय, वरुण अपने ही किए का भुगत रहे हैं। भाभी, हमने माना वरुण ने गलती की, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये कीर्ति वरुण की गलती की सजा आपको दे रही है। अब हम बता रहे हैं भाभी, उस नागिन ने ना आपको फन मानना तो शुरू कर दिया है, अब ना नाच नाच के आपको डसेगी। हम बता रहे हैं नागिन डसेगी। यही थी भाभी, इसने किताब लिखनी शुरू कर दी है। हाँ, सही समझा आपने, कहानी त्रिपाठी खानदान की। हाँ, दिन हो या रात बहू को ताने मारने ही है। एक काम नहीं करती है घर का, बहू मायके जाने की क्या जरूरत है, हम ध्यान रख लेंगे तुम्हारा। ये क्या है कीर्ति, समझ नहीं आया? हम समझाते हैं। सुबह शाम बस पड़ी रहती है, अरे कभी उठ के किचन में थोड़ा काम ही कर लिया करो। कीर्ति बेटा, इतनी सारी खरीदारी कर ली आपने, इतना खर्चा करना सही बात नहीं है, थोड़ा पैसा संभाल के खर्च किया करिए बेटा। भाभी देखो, डायन अपने रंग दिखाने लगी है, देखना कैसे ना वरुण बेटे को अपने जादू में फंसा लेगी। ये क्या पागल हो गई हो क्या, हम जो भी बोलते हैं उसकी लिखा पट्टी करने की क्या जरूरत है। अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत अच्छा बोला, फिर से बोला। ये पागल हो गई है। क्या ये साबित क्या करना चाहती है, क्या कर रही हो तुम? ये भी अच्छा है, हम सामने खड़े ये बदतमीज तमीजें की जा रही है। इसे ना बात करना, बेकार है, बेवकूफ है, ये पागल हो गई। कीर्ति, आगे से ना हमारे लिए अगर आपके दिमाग में कुछ भी ख्याल आए तो ये सबूत देख लेना। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।